हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं हम बात करने वाले इस वीडियो में आज आर पावर शेयर के बारे में। आर पावर में आज आपको गिरावट देखने को मिली है। अब गिरावट में क्या करना चाहिए, देखो एक बात मैं बोल दूं आपको, अगर आज की बात करता हूं मैं तो आज पूरा पूरा मार्केट डाउन है, पूरा का पूरा डाउन है आज। अब रीज़न क्या है, रीज़न काफ़ी बड़े बड़े रीज़न आ रहे हैं यहाँ पे। एक तो दूसरी बात, पहली बात तो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट में कुछ एरर आया था, सिस्टम एरर। दूसरी बात ये है कि बजट भी आने वाला। तीसरी बात ये है कि कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने Q1 का रिजल्ट पब्लिश कर रही है। ये बात मैं बोल दूं आपको। अब दोस्तों एक और खास है आपके लिए, बात अच्छी है, काफ़ी अच्छा अंदर बात है, सुनना ध्यान से। देखो पावर सेक्टर आज पूरा पूरा डाउन है, तो अब डाउन है ना, ये गलती आप बिल्कुल मत करना यहाँ पे कि एग्जिट कर लूँ मैं। देखो एग्जिट करने की गलती आप मत करना यहाँ पे। आने वाले टाइम में आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, काफ़ी बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा आर पावर शेयर का, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है इसकी। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, डिमांड बढ़ रही है पावर सेक्टर में, डिमांड बढ़ रही है पावर सेक्टर की। और सबसे बड़ी बात यह है कि बजट के बाद आपको धमाका हो सकता है इस स्टॉक में, क्योंकि बजट के बाद मुझे उम्मीद है कि 25 से लेके 35-40 तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा बजट के आसपास, बाद में एक मंथ के अंदर अंदर, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है ना, और बजट में कुछ धमाका हो सकता है। दूसरी बात यह है कि Q1 का रिजल्ट भी बहुत जल्द पब्लिश होते हुए देखने को आपको मिल जाएगा।